कुशीनगर पुलिस ने परेड निकाली है। परेड उन लोगों की निकाली गई जिन्होंने पत्थर बरसाए थे। पत्थर भाईजान ने भी चलाए और बुरके वाली महिलाओं ने भी। इसीलिए जब परेड निकाली गई तो नंबर सबका आया। इन लोगों ने सोचा था भीड़ में जाएंगे, दुर्गा प्रतिमा पर पत्थर चलाएंगे और भाग जाएंगे, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं होता। अगर पत्थर चलेंगे तो फिर परेड भी होगी। अगर पत्थर वाला एक्शन हुआ तो फिर परेड वाला एक्शन भी होगा, सरेआम होगा। अब जरा ये समझ लीजिए कुशीनगर में हुआ क्या था। कुशीनगर में श्रद्धालु पडरौना से माँ दुर्गा की प्रतिमा गाजे बाजे के साथ लेकर जा रहे थे। जब माँ दुर्गा का जुलूस गाजे बाजे के साथ मुस्लिम बस्ती में पहुंचा तो भाईजान की भीड़ सामने आ गई। छावनी में डीजे को लेकर मुसलमानों ने विरोध जताया। पहले दोनों गुटों के बीच डीजे को लेकर खूब बहसबाजी और हंगामा हुआ और फिर अचानक से भीड़ हमलावर हो गई। पहले मारपीट हुई, फिर भाईजान डंडा लेकर आ गए और फिर भक्तों पर पत्थरबाजी वाला एक्शन हुआ। ये तस्वीर देखिए, कैसे पत्थरबाज श्रद्धालुओं पर पत्थर बरसा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, डंडे बरसा रहे हैं, दुर्गा प्रतिमा पर पत्थर चला रहे हैं। पत्थरबाजी में कई श्रद्धालु घायल हो गए। पत्थर सिर्फ भक्तों पर नहीं चले, पत्थर का निशाना माँ दुर्गा की प्रतिमा पर भी लगाया गया। पत्थरबाजी से माँ दुर्गा की प्रतिमा नीचे से खंडित हो गई। माँ दुर्गा की सवारी शेर को मूर्ति को भी नुकसान पहुंचा। खंडित प्रतिमा को देखकर श्रद्धालु गुस्से में आ गए। माँ की प्रतिमा खंडित हुई तो भक्त भड़क गए। हिंदुओं ने सड़क पर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। सैकड़ों की तादाद में लोग नारेबाजी करने लगे। पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने मामला संभालने की कोशिश की, लेकिन पत्थर माँ की मूर्ति पर लगा था, इसीलिए हिंदुओं का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। लेकिन पुलिस ने सख्त एक्शन का वादा करके धरना खत्म करवाया। पत्थरबाजी वाले एक्शन पर कुशीनगर पुलिस का परेड वाला रिएक्शन आया। पुलिस ने इस मामले में अब तक 33 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 24 पुरुष, 4 महिलाएं और 5 नाबालिग हैं। नाबालिगों को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। कुशीनगर में कल थाना पडरौना क्षेत्र में दुर्गा प्रतिमा से संबंधित मारपीट एवं गाली गलौज इत्यादि की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके अभी तक टोटल 33, इसमें 28 अभियुक्त गिरफ्तार और 5 बाल अपचारी अभिरक्षा में लिए गए हैं और इन 33 लोगों पर अब तक कार्रवाई की गई है एवं अभी जो है मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। दुर्गा पूजा सकुशल जनपद कुशीनगर में चल रहा है और आगे भी जो भी लोग त्योहारों में विघ्न पहुंचाने का कार्य करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी। ये वीडियो यूपी के संभल जिले का है। गाड़ी की चेकिंग करने पर टोपी पहने बुजुर्ग ने सरेआम ट्रैफिक पुलिस को छुरा घोपने की धमकी दे दी। घटना संभल जिले के चंदौसी थाना क्षेत्र की है। मंगलवार को ट्रैफिक पुलिसकर्मी देवेंद्र अपने सहकर्मी कुड़ाल के साथ गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक बाइक में 2 लोग बिना हेलमेट के आते हैं। तभी ट्रैफिक पुलिसकर्मी देवेंद्र ने बाइक चला रहे रईस अहमद को रोक लिया। बाइक के पेपर चेक किए तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला। बिना हेलमेट और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चलने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान काट दिया गया। चालान कटने के बाद रईस अहमद के साथ बाइक पर बैठा दाढ़ी वाला दूसरा शख्स बुरी तरह भड़क गया। सरेआम पुलिसकर्मी को जान से मारने की धमकी देने लगा, छुरा घोपने की बात करने लगा। इसके बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ दोनों बहस करते दिखाई दिए। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी रईस अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। रईस अहमद पर सरकारी काम में बाधा डालने और चाकू से धमकी का मुकदमा दर्ज हुआ है। दूसरा आरोपी अभी फरार है। ये अनमोल है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में ट्यूशन जा रही छात्रा से छेड़खानी करता है। पुलिस ने इसका ऐसा हिसाब किया, अब जब भी ये जमीन पर कदम रखेगा तो अपने गुनाह पर पछताएगा। ये चाल बता रही है कि पुलिस ने क्या हाल किया होगा। अनमोल हर रोज छात्रा की साइकिल रोककर उसके साथ छेड़खानी करता था। छात्रा ने इसकी जानकारी
अपने घर वालों को दी। इसके बाद पुलिस से शिकायत की गई। मुकदमा दर्ज होने के महज 12 घंटे के अंदर पुलिस एक्शन में आई और आरोपी अनमोल को पावटी रोड पर बनी पानी टंकी के पास से गिरफ्तार कर लिया और ऐसा ट्रीटमेंट दिया कि छेड़ना तो दूर, अब ये दोनों पैरों पर चल नहीं पा रहा। ये जो थप्पड़ खा रहे हैं ये विधायक हैं, थप्पड़ मारने वाला वकील है। 8 से 10 पुलिस कर्मियों के सामने ही विधायक को पीटा गया, नीचे गिरा दिया गया और पुलिस सब कुछ देखती रही। ये यूपी का लखीमपुर जिला है। जिन्हें थप्पड़ मारा गया वो लखीमपुर के विधायक योगेश वर्मा हैं। जिन्होंने थप्पड़ मारा वो लखीमपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश सिंह हैं। हमें मालूम चला कि हमारे कार्यकर्ता बंधु जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो यहाँ पे पर्चा लेने आए। पहले हमारे व्यापार मंडल के राजू अग्रवाल जी को मारा, उनका पर्चा फाड़ लिया और फिर जब मैं उनको देखने के लिए यहाँ पे आया तो इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। तो कम से कम मेरा गिरेबान अवधेश सिंह वकील है, जो हमेशा जिंदगी भर जिन्होंने केवल दलाली की, इसके अलावा उनके पास में कोई काम नहीं रहा और आज उन्होंने मेरे गिरेबान के ऊपर हाथ डाला है, इसका उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतने को। आपको भी पीटा है, आपके समर्थकों को भी पीटा है, क्या लगता है किस तरह से लोग ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था। जब मैं आया यहाँ पे तो हजारा पर्चे जो भी अंदर से आम आदमी पर्चा लेके, जो आम इस बैंक का जो फाउंडर मेंबर है वो पर्चा लेके आ रहा था, उनके पर्चे तक फाड़ दिए गए। मामला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव से जुड़ा है। चुनाव में निवर्तमान चेयरमैन पुष्पा सिंह और पूर्व चेयरमैन मनोज अग्रवाल का खेमा मैदान में है। बुधवार को दोनों अपने अपने डेलीगेट्स के साथ नामांकन करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक ऑफिस पहुंचे थे। वीडियो में विधायक योगेश आते दिख रहे हैं, तभी सामने से अवधेश आता है। दोनों के बीच पहले बहस होती है, इतने में अवधेश विधायक पर टूट पड़ता है, उन्हें थप्पड़ जड़ देता है। विधायक के गनर अवधेश को रोकने की कोशिश करते हैं, तभी पीछे से अवधेश के और समर्थक आ जाते हैं, विधायक को धक्का देकर गिरा देते हैं और पीटने लगते हैं। मारपीट में विधायक के कपड़े फट जाते हैं। मेरा कुर्ता फाड़ दिया गया। ये कौन सा निष्पक्ष चुनाव है भैया? इस तरीके से कौन सा निष्पक्ष चुनाव है? कौन निष्पक्ष चुनाव करा रहा है? एक विधायक के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है, एक विधायक के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है, ये निष्पक्ष चुनाव है। जबकि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश सिंह की पत्नी पुष्पा सिंह ने विधायक पर ही बदतमीजी का आरोप लगा दिया। अभी थोड़ी देर पहले करीब 11:30 बजे करीब हम पर्चा लेने अपना गए थे, तो उधर से विधायक योगेश शर्मा शराब पिए, वो पूरा प्रशासन देख रहा है, शराब पी करके इतना गिर गिर पड़ रहा था। जैसे ही हम निकले तो मेरा पर्चा ऐसे पर्चा छीना, तो मैंने ऐसे किया और फिर उसने ज्योति शुक्ला को धकेला। जब ज्योति शुक्ला गिर गई तो मैंने उसको जो है, उस समय कोई नहीं था, प्रशासन था, मैंने ज्योति शुक्ला को खींचा और फिर मैं महिला हूँ, मैं समाज की सेवा करती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व उपाध्यक्ष रही, जिला पंचायत सदस्य रही, ब्लॉक प्रमुख रही, कोऑपरेटिव चेयरमैन रही, इस समय महिला मोर्चा जिला प्रभारी हूँ और मैं आधी आबादी का खुद नेतृत्व कराती हूँ और मुझ पर वो शराब पी करके विधायक, और मैं पूरे नवरात्रि व्रत हूँ, या तो झूठ बोलूँ या तो वो मर जाए या मैं मर जाऊँ। विवाद के बाद DM दुर्गा शक्ति नागपाल ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव स्थगित कर दिया।